अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आसियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमान खान। आज हम आपको बताने वाले हैं टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का आइडेंटिटी। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब वन प्लूरल है और वर्ब फाइव सिंगुलर है। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का आइडेंटिटी, जिस वाक्य के अंत में आ, ई, ए, या था, ये थे, उन्हें पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडिफिनिट आप जब बना पाएंगे जब आपको वर्ब टू याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का आइडेंटिटी। जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है, उन्हें फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल्फ प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विल के साथ सिंगुलर लगता है, सेल के साथ प्लूरल लगता है। अब एग्जाम्पल, वह आता है, वह तो सिंगुलर है, ता है, यहाँ पे ता है आ रहा है ना, तो सिंगुलर के साथ वर्ब फाइव लगता है, ही कम्स। देखिए वर्ब फाइव में ई एस या एस लगता है। तुम जाते हो, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तुम तो प्लूरल है, ते हो, यहाँ पे ते हो लग रहा है ना। तुम जाते हो तो इसका रहेगा यू गो, इसके साथ प्लूरल के साथ या वर्ब वन के साथ प्लूरल लगता है, यू गो। गो तो प्लूरल है, गो सॉरी यू तो प्लूरल है। अब हम वह गया, यहाँ पे यह आ रहा है ना, वह गया, तो इसका होगा ही वेंट। ये आप जब बना पाएंगे जब आपको वर्ब टू याद रहेगा, इसमें वर्ब टू का पूरा वो लगता है। वह जाएगा आ रहा है ना, वह तो सिंगुलर है, वो सिंगुलर के साथ विल लगता है, तो ही विल गो। अब हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का आइडेंटिटी। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आपको बताने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का आइडेंटिटी। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वास वेयर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आपको बताने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का आइडेंटिटी। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उन्हें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल बताने जा रहे हैं। मैं लिख रहा होऊंगा, मैं आई के साथ एम लगता है, आई एम। वर्ब फोर में आई एन जी आप लगा, वर्ब फोर में आई एन जी लगाया जाता है। आई एम राइटिंग। वह लिख रहा था, ये पास्ट इंडिफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर वो है टेंस ही। वह का ही के साथ सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा, ही वाज राइटिंग। वर्ब फोर ही वाज राइटिंग। राम लिख रहा होगा, राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही लगता है, राम विल बी राइटिंग। हम आपको बताने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिटी। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, हैज सिंगुलर के साथ लगता है, हैज प्लूरल के साथ लगता है, और आपको वर्ब थ्री याद रहना चाहिए तभी ये टेंस बनेगा। अब हम आपको बताने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिटी। जिस वाक्य के अंत में या था, चुका था, चुकी थे, चुके थे, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट
यहाँ पे Verb 3 का हर जगह Verb 3 का इस्तेमाल होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आइडेंटिटी। जिस वाक्य के अंत में या होगा, चुका होगा, चुके होंगे, उन्हें फ्यूचर इन परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस Verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आपको बताने वाले हैं एग्जाम्पल। मैं जा चुका हूँ, मैं तो प्लूरल है, मैं मतलब आई, जा चुका, यहाँ पे चुका आ रहा है ना, तो आई के साथ प्लूरल लगता है तो प्लूरल हैव है, आई हैव गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होगा। अब उसने लिखा है, उसने ही तो वो सिंगुलर है, लिखा है, ही हैज राइट का थर्ड फॉर्म राइट एन होगा। मैं गया था, मैं प्लूरल है, आई गया, यहाँ पे या है ना, मैं गया था, आई हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। मैं गया हूँ होगा, मैं गया या होंगा, आई है, आई प्लूरल है, आई विल हैव गॉन। उसने लिखा होगा, ही विल हैव रिटन, आपको थर्ड फॉर्म याद रहना चाहिए। अब हम आपको बताने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिटी। जिस वाक्य के अंत में ता आ रहा है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैज बीन सिंगुलर फॉर्म के साथ लगता है, हैव बीन प्लूरल फॉर्म के साथ लगता है। अब हम आपको बताने वाले हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस वाक्य के अंत में ता आ रहा था उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आपको बताने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिटी। जिस वाक्य के अंत में ता आ रहा होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम आपको बताने वाले एग्जांपल। वह लिखता आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वह सिंगुलर है तो वह का इंग्लिश होता है ही सिंगुलर फॉर्म का, इस सिंगुलर फॉर्म लगेगा तो ही हैज बीन राइट का फोर्थ फॉर्म राइटिंग होता है, ING लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, ही हैज बीन राइटिंग। अब आपको बताने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल। वह सीखता आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है ना, तो वह चाहे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है उसके साथ हैड ही लगेगा, तो वह सीखता आ रहा था, ही हैड बीन टीच का फोर्थ फॉर्म टीचिंग होगा, ही हैड बीन टीचिंग। वह अब बताने वाले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह लिखता आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा ना, आ रहा होगा, वह का इंग्लिश होता है ही विल बी राइट का फोर्थ फॉर्म राइटिंग, ING लगा देंगे तो राइटिंग हो जाएगा, ही विल हैव बीन राइटिंग।